हेलो फ्रेंड, मैं हूं सुधाकर सिंह और आप लोग देख रहे हैं टेलीकॉम चैनल एसके अटैक हिंदी। दोस्तों आज का वीडियो जो है जियो के 251 के, जो पहले आपको जियो क्रिकेट डेटा पैक नाम से आपका ये प्लान आ रहा था और इस प्लान के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सवाल पूछे जा रहे थे मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि इस प्लान में कॉलिंग की बेनिफिट नहीं होती है, जैसे कि आपके पास ये 251 का प्लान रहता था 51 दिनों के लिए, जो ये आता था 2 GB पर डे के हिसाब से, और इसमें आपको जो है यदि आपके पास 10 रुपये का 20 रुपये का टॉक टाइम बैलेंस भी रहता था तो आप लोग का कॉल नहीं होता था। तो वही दोस्तों बताऊंगा कि अब जो है ये 251 का प्लान किस रूप में जियो की तरफ से आया है, क्योंकि दोस्तों ये जो है नया वर्क फ्रॉम होम प्लान के तहत जियो ने इसको फिर से रिलॉन्च किया है। प्लान का प्राइस सेम है, डेटा वाउचर ही है, लेकिन इसको जो है फिर से रिन्यू किया है। अब मैं बताऊंगा कि आप इसमें कैसे कॉलिंग कर पाएंगे और आपको इसमें डेटा बेनिफिट कितना मिलेगा और कितना ज़्यादा इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी जियो के तरफ से। सारे अपडेट्स दोस्तों 251 के प्लान के बारे में मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ये वीडियो का जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप लोग जियो सिम कार्ड यूजर्स हैं तो, क्योंकि आने वाले समय में आपको 251 के इसी प्लान का काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या आप लोग ने 251 का प्लान कभी लिए हैं या नहीं लिए हैं। लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ कहना, यदि नहीं लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में ना लिख देना। ठीक है, तो अब बात कर लेते दोस्तों जियो के 251 के प्लान का। तो पहले दोस्तों आपको पता था कि जियो के 251 का प्लान क्रिकेट डेटा पैक नाम से आता था, ठीक है, जो कि IPL वगैरह में या फिर वर्ल्ड कप वगैरह जब होता था तो ये प्लान आप लोग को काफी ज्यादा बेनिफिट देता था, पूरे 51 दिनों की वैलिडिटी रहती थी और आपका जो मेन डेटा था वो समाप्त होने के बाद आप इससे 2 GB डेटा पर डे खपत कर सकते थे, जो कि एक बढ़िया प्लान था और ज्यादा बेनिफिट भी दे रहा था। लेकिन अब जो है ये प्लान आपको कितना बेनिफिट दे रहा है और अभी जो है दोस्तों ये जो है वर्क फ्रॉम होम प्लान के तहत जियो की तरफ से ये लॉन्च करा गया है। जहाँ दोस्तों अब जो है ये प्लान आपका डेटा वाउचर जो है वर्क फ्रॉम होम प्लान के तहत ही आपका जो है जियो के माई जियो एप्लीकेशन में ऐड है। अब बताता हूँ कि इसमें आपको बेनिफिट कितने होंगे। तो सबसे पहले इसकी वैलिडिटी बता देता हूँ दोस्तों, तो इसकी वैलिडिटी जो है जियो के तरफ से 30 दिनों की है। जी हाँ दोस्तों, 30 दिनों तक आप जो है इस प्लान का 251 के इस प्लान का आप जो ताज़ा प्लान आया है 30 दिन तक आप यूज कर सकते हैं और इसमें आपको डेटा जो है टोटल 50 GB मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, 50 GB डेटा 30 दिनों तक यूज करेंगे और ये डेटा आप खत्म करने के बाद 64 KBPS पर सेकेंड के हिसाब से ये जो है आपका डेटा वर्क होगा, ठीक है, काम करेगा। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका जो कॉलिंग है इसके साथ आप कॉलिंग कैसे करेंगे। तो आपको जैसा कि प्लान पता है कि ये प्लान जो है डेटा वाउचर है, ठीक है, तो डेटा वाउचर में जियो का हो, एयरटेल का हो, आइडिया का हो, वोडा का हो, कोई भी डेटा वाउचर आप लेते हैं तो डेटा वाउचर जो है आपका रेगुलर प्लान आपके पास अभी जो प्लान है उसके साथ डेटा वाउचर यूज होता है। तो सेम उसी केस में जियो का जो भी प्लान आपके पास होगा 98 से लेकर ऊपर तक के जितने भी प्लान आते हैं 399 का, 199 का, 555 का, 444 का जो भी प्लान होगा और आप यदि 251 का डेटा वाउचर लेते हैं तो ये डेटा वाउचर जो है आप 50 GB कभी भी खपत कर सकते हैं और इसके अलावा कॉलिंग आपका रेगुलर प्लान से ही होगा, इसमें कोई कॉलिंग का बेनिफिट नहीं है। और साथ ही बात कर लेते हैं कि यदि आपके पास रेगुलर प्लान नहीं है और ये डेटा वाउचर आप लेते हैं तो आपका नेट तो चलेगा 2 GB पर डे के हिसाब से, 3 GB पर डे जितना भी आप खपत कर सको नेट तो चलेगा, लेकिन आप कॉलिंग नहीं कर पाओगे यदि आपके पास 10-20 का टॉक टाइम बैलेंस है तो भी। जियो का कहना है कि आप इसके लिए जो है आपके पास एक रेगुलर प्लान होना चाहिए जो जियो के अकॉर्डिंग 98+10, 10 का IUC टॉप अप होता है, 98 का रेगुलर प्लान आता है, पूरे 28 दिनों के लिए आप इस प्लान को यदि लेते हैं तो इसके साथ आप जो है 251 का ये रेगुलर प्लान जो है ये डेटा वाउचर को यूज कर पाएंगे। आई होप कि आपके समझ में ये बात आ गई होगी। यदि आ गई दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।